हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है, अगर आपके बाल टूटते हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है या फिर आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो आपके लिए मैं बहुत ही सिंपल रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल ये रेमेडी है जिसका यूज़ करके आप अपने बालों की ग्रोथ को फिर से उतना ही पा सकेंगे और अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो वो भी रुक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कोई डाउट है या फिर पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कीजिए और मुझे जो भी डाउट है वो वहाँ पर पूछेगा। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल रेमेडी है। अगर आप जो भी शैम्पू अपने घर पर यूज़ करते हैं वो शैम्पू आपको लेना है। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने क्लिनिक प्लस लिया, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिनिक प्लस ही यूज़ करें। आप जो भी नॉर्मली शैम्पू यूज़ करते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू आप ले लीजिएगा इस रेमेडी के लिए। तो जैसे कि मैंने क्लिनिक प्लस लिया है तो यहाँ पर मैं क्लिनिक प्लस का यूज़ कर रही हूँ। तो क्लिनिक प्लस को मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही शैम्पू यूज़ करें, आपके पास जो भी शैम्पू है वो आप शैम्पू इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है एक बार के लिए। और आप जितनी मात्रा में ध्यान रखें, जितनी मात्रा में आप यूज़ करते हैं शैम्पू उतनी ही मात्रा में यूज़ करें। इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो आपको चाहिएगा, वो जो है एलोवेरा। आप ले सकते हैं प्योर एलोवेरा, अगर आपके पास मिलता है प्योर एलोवेरा, अगर आपके घर में है तो आप वो लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास प्योर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से आप कोई भी एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम हटाते हैं और ये आप इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये जो होता है एलोवेरा, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर जो आपको शाइनिंग चाहिए, अगर बालों में जो शैम्पू हमने लिया है वो शैम्पू ओनली आपके जो बाल हैं उनमें क्लींजिंग का काम करता है। अगर वहाँ पर कोई मैल है, गंदगी फंसी हुई है, कुछ भी मिट्टी फंसी हुई है पॉल्यूशन के कारण, तो वो सिर्फ वहाँ पर शैम्पू जो है वो वहाँ पर साफ़ करता है। लेकिन आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मिक्स करोगे वो आपके बालों के लिए शाइन का काम करेंगी, बालों की ग्रोथ का काम करेंगी। अगर आपके बालों में जो भी मिनरल्स उसको चाहिए वो वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं तो वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पर बालों की रूट है वहाँ से ये उनको मिनरल्स प्रोवाइड करवाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करती हैं, तो ये आप यूज़ करिएगा ज़रूर। और जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आप केवल क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं जब भी आप हेयर वॉश करते हैं या फिर शैम्पू करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमने ले लिया है एलोवेरा, हमें इसको सिंपली क्या करना है, अब मिक्स करना है। हमने जो भी लिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो एलोवेरा है ये मैंने बताया है कि कितना हेल्पफुल होता है आपकी बालों के ग्रोथ के लिए और जो शाइन आपको चाहिए उसके लिए, तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आप हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करने के 20 मिनट पहले, 20 से 25 मिनट तक ही आपको ऑयलिंग रखनी है। आप कोई भी तेल से ऑयलिंग कर सकते हैं, किसी भी तेल से आप ऑयलिंग कर सकते हैं, केवल और केवल 20 मिनट तक ही आपको उसको रखना है। ज़्यादा देर तक आपको उसे नहीं रखना है। अगर ज़्यादा देर तक आप ऑयल रखते हैं तो वो आपको अपोजिट रिजल्ट्स देगा। तो आप ध्यान रखिएगा ज़रूर कि अगर आप ऑयलिंग करते हैं और रात को करके सो जाते हैं और सुबह हेयर वॉश करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर तक रखोगे तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा देर तक आप रखोगे वो आपको बिल्कुल अपोजिट रिज़ल्ट देगा। हो सकता है कि आपको कोल्ड या फिर कुछ बीमारी भी हो जाए, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में। लेकिन आप इसके बाद कुछ भी यूज़ ना करें तो आपके लिए अच्छा होता है। कंडीशनर भी आप इसके बाद यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो हमने एलोवेरा लिया है ये यहाँ पर कंडीशनर का काम भी करता है। बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि आपके जो बाल होंगे
वो सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइम तक इसको यूज़ करना है। तो अगर आप एक हफ्ते में दो बार इसको यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप इसको तीन बार यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट रिज़ल्ट देगा। इसके साथ साथ आप इसमें चावल का पानी भी ऐड कर सकते हैं। चावल का पानी आप कैसे बनाएंगे? चावल का पानी आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है नहीं वो, क्योंकि अपना सारा काम जो है वो एलोवेरा कर देगा। अगर आप चावल का पानी ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको चावल है उनको भिगो के रखना है आधे एक घंटे तक, और जो ऊपर उसका पानी आएगा आप उसे अलग कर लें और इसमें मिक्स कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो आपने देखा कितनी इजी रेमेडी है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी, बालों को टूटने से बचाएगी, झड़ने से बचाएगी। अगर आपका कोई डाउट है, फिर पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइए नेक्स्ट आप मुझे किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। Thank you.